दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो का एयर फाइबर कैसे लगवाएं, जियो का एयर फाइबर कैसे लगता है, कितना पैसा आपको देना पड़ता है और स्पीड क्या मिलता है, और सबसे बड़ी गलती आप जो करेंगे इस वीडियो को देख लेंगे तो आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। फुल डिटेल से बताता हूँ क्योंकि हमने जियो का एयर फाइबर लगवा रखा है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं जियो का एयर फाइबर लगवाने के लिए आपको तीन बॉक्स मिलता है। तीन बॉक्स में आपको एक मिलता है आउटडोर डिवाइस यानी जो आपके छत के ऊपर लगता है, एक इंडोर डिवाइस जो आपके छत के अंदर लगता है, और एक आपको ए बॉक्स मिलता है जो हमने आपको दिखाया। इसमें एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और ए बॉक्स लगता है आपके स्मार्ट टीवी में। स्मार्ट टीवी में अगर एयर फाइबर जियो का लगवाते हैं तो 80 से ज़्यादा जो है आपको सब्सक्रिप्शंस मिल जाता है जिसमें आपको OTT आसानी से चलता है। अब बात करते हैं स्पीड टेस्ट का, तो लाइव प्रूफ आपको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ जियो का एयर फाइबर का, जो हमने 30 MB/s का प्लान लिया है। स्पीड लाइव प्रूफ आपके सामने है, जो कि गूगल में जाकर स्पीड टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो 29.5 हमको डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है, और अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 5-6 स्पीड मिल रहा है। सबसे बड़ी गलती आप जो करेंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं कर पाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या गलती नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें जियो एयर फाइबर कितने का मिलता है प्राइस के बाद, तो जियो एयर फाइबर इस वक्त ऑफर में चल रहा है। इसके पहले जो है दिवाली के पहले आपका 1000 रुपये का अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज लगता था, लेकिन अब हमने जो 2200 रुपये में जियो का एयर फाइबर लगवाया, 2200 रुपये में 3 महीने का प्लान मिला, 3 महीने का प्लान 599 रुपये प्रति महीने का प्लान मिला। खास बात यह है कि जियो एयर फाइबर सबसे सस्ता मंथली प्लान 599 रुपये है। 599 रुपये में आपको 80+ OTT मिल जाता है, और आपको अनलिमिटेड वॉइस मिल जाता है 1 महीने के लिए, और 30 MB/s के स्पीड के हिसाब से पूरे 1 महीने का आपको प्लान मिल जाता है। इसमें आपको 1000 GB का स्टोरेज मिल जाता है, यानी 1000 GB आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जियो का एयर फाइबर जो होता है उसको लगवाने से पहले आपको इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाना चाहते हैं तो आपके एरिया में 5G नेटवर्क होना चाहिए, वरना आपको पछतावा पड़ सकता है। जियो एयर फाइबर की खास बात यह है कि आपको इसमें जो है 599 का जो प्लान आप लेते हैं, इसके बाद अगर 3 महीने यूज करने के बाद जो आपका प्लान गिरने वाला है वो GST को लगाकर गिरेगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलता है और कस्टमर वाले भी बता देते हैं कि 599 रुपये का प्लान आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन 599 की जगह 700+ रुपये आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें GST भी इंक्लूड होगा, तो 700+ रुपये आपका मंथली पे होगा। इसको आप माई जियो में जाकर लॉगिन करेंगे तो आपका प्लान शो होगा, वहीं से अगले महीने जब आपका रिचार्ज 3 महीने का कट जाएगा तो अगले महीने आपको बिल आएगा, और उस बिल को वहीं से माई जियो से पेड करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टपेड सिम आपका होता है, यानी एयर फाइबर पोस्टपेड में वर्क करता है। अब जियो एयर फाइबर की खास बात यह बता दूं कि आपको इसको लगवाने से पहले आप अपने छत पर अच्छे तरीके से हाइट करवा लें ताकि स्पीड आपको अच्छा मिल सके। जियो एयर फाइबर अगर आप लगवा रहे हैं तो आपको 10 से 20 लोगों आपके परिवार में जो भी लोग हैं सभी लोग कनेक्ट कर इंटरनेट चला सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट चलेगा, 1000 GB का बॉन्डिंग रहती है जो कि बहुत होता है, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है जो आप अपने स्मार्ट टीवी में कनेक्ट कर 4K में YouTube वीडियो देख सकते हैं और 80+ ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब जियो एयर फाइबर किनको लगवाना चाहिए किनको नहीं लगवाना चाहिए, जियो एयर फाइबर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको 700 रुपये महीने का चार्ज गिर सकता है। अगर आपको लगवाना है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके एरिए में 5G नेटवर्क अच्छा है तभी जियो एयर फाइबर लगवाइएगा, वरना आपको पछताना पड़ सकता है, आपको स्पीड मोबाइल से भी कम देखने के लिए मिल सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। जियो एयर फाइबर अगर आप बुक करते हैं माई जियो एप्लीकेशन से तो आपको पैसा जो देना पड़ेगा वहाँ पे, आपके यहाँ जो बुक करेंगे तो आपके यहाँ लोग आएंगे, आपका KYC करेंगे आधार कार्ड लेकर, उसके 2 घंटे बाद आकर मशीन लेकर इंस्टॉलेशंस करेंगे, जो प्रक्रिया आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है जियो एयर फाइबर का इंस्टॉलेशंस, और प्राइस कैसे लगता है हमने ये भी आपको बता दिया, कितना पैसा लगता है ये भी बता दिया, कैसे काम करता है ये भी बता दिया। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।